एज ए स्टूडेंट मुझे सिर्फ एक ही सीन पता है कि अगर मैं मेरे वीज़ा के लिए जा रहा हूँ तो मैं ना मेरे पेरेंट्स को स्पॉन्सर बना सकता हूँ। माई फादर कैन बी माई स्पॉन्सर, माई मदर कैन ऑल्सो बी एन स्पॉन्सर, पर क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? अगर मैं सेल्फ स्पॉन्सर बनना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ और क्या कंडीशंस रहेगी उसकी? क्या एजुकेशन लोन मेरे लिए एक ऑप्शन है क्या? या इसके अलावा अगर मेरे पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो मैं किससे बनाऊँ स्पॉन्सर? देर आर सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पॉन्सरशिप और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने तरह के स्पॉन्सर होते हैं और किस क्राइटेरिया पे, किस बेस पर आप इन्हें स्पॉन्सर बना सकते हैं आपके केस के लिए। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एज वी स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ज़्यादा डिटेल में नहीं है, मैं थोड़ा बेसिक आपको आइडिया देने वाला हूँ स्पॉन्सर्स के बारे में। चार कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। अब इन चार कैटेगरीज में बहुत बेसिक मैं बताऊंगा क्योंकि ये चारों कैटेगरी पर एक डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव वीडियो बिल्कुल आएगी, तो इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब हम शुरू करते हैं नंबर एक के साथ। नंबर वन, सबसे बेसिक लेकर चलते हैं पेरेंट्स एज स्पॉन्सर, जो आप बिल्कुल जानते हैं कि आप आपके पेरेंट्स को बना सकते हैं। यू कैन मेक योर फादर एंड योर मदर योर स्पॉन्सर। अब वो आपके जॉब भी कर सकते हैं, उनका खुद का बिजनेस भी हो सकता है, या वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं उनके पर्टिकुलर फील्ड के। नाउ जॉब और सैलरी और ये तो आप समझते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर, लॉयर, सीए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, ऐसी अगर फील्ड है तो आप इन्हें भी बना सकते हैं एज योर स्पॉन्सर। बट अगर आप जॉब में हैं, अगर आपका बिजनेस है, तो ये वीडियो देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में हमने बताया है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं टू प्रूव योर बिजनेस, वो प्रूव करने के लिए आपका बिजनेस, ये वीडियो देखिएगा। अदर देन दैट, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल में जैसे डॉक्टर, लॉयर, ये हमने कहीं अभी तक नहीं बताया, तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, तो आपके लगेंगे लाइसेंस। इस सिचुएशन में आपके लाइसेंस होने चाहिए, आपके पास आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया, वो लाइसेंसेज हो गए, देन आपके जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रूव करे कि आप सीए हैं, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, लाइसेंस बनते हैं मेनली, वो लाइसेंस और वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए टू प्रूव योर एम्प्लॉयमेंट इन दिस सिचुएशन एज एन स्पॉन्सर। नाउ इसी में एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी जो इनकम के प्रूफ है आपको वो भी देना है, इनकम प्रूफ फ्रॉम योर क्लाइंट्स, आपके जो क्लाइंट्स आपके पेशेंट हो गए। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो आपने जो कोटेशन उनको भेजा था, आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट होंगे इन बेस पर जो आपने डील किया है आपके क्लाइंट्स के साथ, उसके प्रूफ आपको चाहिए बिकॉज दिस विल मेक योर वीज़ा प्रोसेस ईजियर, वो फंड्स को प्रूफ करना थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये जो क्लाइंट्स के साथ आपको जो प्रूफ मिल रहे हैं आपके पेमेंट के और इन सब के, ये आपको संभाल कर रखना है फॉर योर वीज़ा प्रोसेस। और इसमें आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भी चाहिए फॉर योर वीज़ा प्रोसेस। एज अ पेरेंट अगर आप स्पॉन्सर बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड इन दिस वीडियो इज अबाउट बींग अ सेल्फ स्पॉन्सर। आई वॉन्ट टू बी अ सेल्फ स्पॉन्सर, मुझे खुद स्पॉन्सर करना है मेरी एजुकेशन को, तो इसमें मुझे क्या करना है? आप ये ध्यान में रखिए कि आपके पास लास्ट 2 ईयर से वर्किंग होने चाहिए, 2 साल से आप जॉब कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन आप ये कंसिडर करिए, अगर आप ऑर्फन है, यू डू नॉट हैव योर पेरेंट्स विथ यू, इस सिचुएशन में भी आप खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं। एंड थर्ड इज कि अगर जो आपके पेरेंट्स हैं वो वर्किंग नहीं है, दे डोंट वर्क समवेयर, वर्किंग का कोई सोर्स नहीं है आपके पास, तो इस सिचुएशन में भी आप खुद को सेल्फ स्पॉन्सर बना सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज बैंक एज एन स्पॉन्सर। एजुकेशन लोन की बात करते हैं, आप बैंक को भी स्पॉन्सर बना सकते हैं, आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। वेल, एजुकेशन लोन की बात करें तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन एज कम्पेयर टू एनी अदर लोन दैट इज़ देयर इन द मार्केट। आपके जितने भी दूसरे लोन्स होते हैं ना, उनसे जब आप कंपेयर करेंगे तो एजुकेशन लोन एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज एजुकेशन लोन में आप क्या शो करते हैं कि ये जो मैंने लोन लिया है दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, सो ये बहुत सिक्योर साइड में हो जाएगा। सो यस, एजुकेशन लोन इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं तो। सेकेंड थिंग इसमें ये याद रखिए कि आपके जो 12 लाख का आपको जो फंड शो करना है, 12-13 लाख जो आपको शो करना है, उसमें से आप बिलो 10 लाख, 10 लाख से कम का आप एजुकेशन लोन लीजिए। अदर देन दैट, जो 2-3 लाख रुपए हैं बचे हुए वो आप आपके सेविंग से शो करिए। दिस इज हाउ यू विल अरेंज योर फंड्स फॉर वीज़ा। नाउ इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा आप, कि आपको इसमें स्टिल स्पॉन्सर को शो करना है। स्पॉन्सर क्यों शो करेंगे आप? बिकॉज इन योर सिचुएशन ऑफ एजुकेशन लोन, वो बेयर कौन करेगा उस लोन को, इसीलिए आपको स्पॉन्सर को भी शो करना है, समवन हु इज जनरेटिंग इनकम
फॉर योर फैमिली दैट पर्सन हैज टू बी देयर विद योर एजुकेशन लोन प्रोसेस एज वेल एज योर स्पॉन्सर. नाउ द फोर्थ और द लास्ट वन इन दिस कैटेगरी इज अबाउट अदर देन योर पेरेंट्स. अब इसमें भी आपके पास तीन चार ऑप्शन है. आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी बना सकते हैं, आप आपके ब्रदर सिस्टर को भी बना सकते हैं, एंड देन योर लीगल गार्जियंस. याद रखिएगा, लीगल गार्डियन बोला है मैंने, दैट मीन्स लीगली डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए आपके ये सारे प्रूफ. सब चलता है रूल्स पर, रेगुलेशंस पर. डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इफ़ दे आर योर लीगल गार्डियंस देन ही आप इनको स्पॉन्सर बना सकते हैं. ये मुंबई की वीज़ा चेकलिस्ट में ज़रूर चेकआउट करिएगा, यहाँ भी ये चीज़ मैंशन है. और इस वाली कैटेगरी में भी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर ज़रूर चाहिए आपकी वीज़ा प्रोसेस के लिए. अब इन सब के बाद भी आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, कॉल अस ऑन दिस नंबर, क्योंकि हम आपकी वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड भी पूरी हेल्प कर सकते हैं. आपका कवर लेटर, पूरा प्रोसेस, वी कैन हैंडल दैट टू. तो कॉल ज़रूर करिएगा एक फ्री काउंसलिंग सेशन के लिए. और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए, वीज़ा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं. स्कॉलरशिप्स आर ओपनिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग.